नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास ऑडियो मास्टर का TJ-Dave 5000 एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। ये मोस्टली 500 वाट का होता है। इस एम्पलीफायर में दो जोन एम्पलीफायर होता है। ये जोन ए जोन बी डबल जोन का एम्पलीफायर होता है। इधर इसमें 6 माइक आते हैं। ये 6 माइक का होता है। ये 6 माइक होते हैं इसमें, माइक 1, 2, 3 करके 6 तक। ये माइक 6 आ गया। ऐसे ही इसके ये 6 माइक के 6 कंट्रोलर होते हैं, उनको वॉल्यूम कंट्रोल बोलते हैं अपन। ये एक्जुलरी 1 और एक्जुलरी 2 होता है। इस पे एक्जुलरी 1 और USB दोनों का काम करता है, क्योंकि इसमें USB बोर्ड भी लगाया हुआ है साथ में। ये दो चैनल के दो मास्टर ट्रेबल और बेस के टोन होते हैं, देख पा रहे होंगे आप। अच्छा, ये इसका USB ड्राइव है, इसमें पेन ड्राइव, ब्लूटूथ और FM। USB के लिए नीचे इसमें ऑन ऑफ स्विच दे रखा है। यह दो रीसेट के स्विच आते हैं। एम्पलीफायर कभी फॉल्ट हो या तार शॉर्ट हो जाए तो रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। MCB की जैसे स्विच काम करता है रीसेट का, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा स्विच बाहर आ जाएगा और वापस इसको ठीक करने के लिए अंदर देना पड़ता है। इसमें फ्यूज वाला सिस्टम नहीं होता है। तो यह इसका USB है। इधर इसमें USB कार्ड अपन लगा के प्ले कर सकते हैं। अंदर से इसका सर्किट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे 3 इसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये इसका मेन सप्लाई का ट्रांसफार्मर होता है। ये चैनल बी का ट्रांसफार्मर है और ये चैनल ए का ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ये दो ड्राइवर ट्रांसफार्मर आउटपुट बोलते हैं, या ड्राइवर बोल दो, एक ही बात है। आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है जिनसे अपन स्पीकर वगैरह चले तो इससे स्पीकर का सॉकेट कनेक्ट होता है। ये वाला पीछे वाला जो स्पीकर सॉकेट कनेक्ट होता है, चैनल ए का चैनल बी का दोनों के ये दो आउटपुट होते हैं और ये मेन सप्लाई होता है। मेन सप्लाई से यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर पे सप्लाई आता है। यहाँ से DC कन्वर्ट करके पूरे एम्पलीफायर पे सप्लाई दी जाती है। इस एम्पलीफायर में 4 आप देख पा रहे हैं, ये 6 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं एक साइड के लिए। चैनल ए में 6, चैनल बी में 6। ये 1, 2, 3 ऊपर लगा हुआ है, 3 नीचे लगा हुआ है। 6 के लिए 6 मीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये इसके सप्लाई के कंडेंसर लगे हुए हैं। यह प्री एम्पलीफायर बोर्ड होता है चैनल बी का, और ये आप देख पा रहे होंगे चैनल ए का। ऐसा कुछ इसका अंदर का पूरा व्यू आप देख पा रहे होंगे कैसा एम्पलीफायर है। तो अच्छा एम्पलीफायर बनाया है। पीछे से ऐसा एम्पलीफायर होता है ओवरऑल। ये स्पीकर के लिए होता है ब्लैक सॉकेट, रेड सॉकेट LMT के लिए होता है। स्पीकर के लिए 4 ओम 8 ओम और कॉमन 70 ऐसे होता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कॉमन में ब्लैक तार और 7000 में रेड वायर यूज होता है LMT के लिए। LMT ड्राइवर यूनिट जो आते हैं उनके लिए यूज होता है। ये लाइन आउटपुट होता है दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए। ये प्री एम्पलीफायर आउटपुट है। ये जोन ए जोन बी का इनपुट है और ये AUX है, जो आगे दो स्विच अभी आपको बताए थे उनका एक ज्वेलरी का स्विच काम करता है। लाइन इन में और AUX में फ़र्क ये होता है दोस्तों कि लाइन इन जोन ए में लाइन इन करके अपन एम्पलीफायर को बजाएंगे तो बजेगा, लेकिन ट्रेबल बेस के स्विच काम नहीं करेंगे, वो एक फिक्स स्टेज पे ही काम कर पाते हैं। एक्जुलरी में अपन को जिस स्टेज पे ट्रेबल बेस को एडजस्ट करना है उस स्टेज पे अपन चला पाते हैं, इसलिए एक्जुलरी में काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर यूज़ होता है। इधर इसमें 24 वोल्ट का DC सॉकेट भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो 24 वोल्ट की सप्लाई देके इसको बिना लाइट के DC से भी अपन बजा सकते हैं। ये इसका फ्यूज हो गया, ये इसकी मेन सप्लाई का वायर हो गया, ये इसके प्री एम्पलीफायर बोर्ड जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, चैनल ए का चैनल बी का। ये माइक के लिए आगे दो प्लेट लगा रखी है, PCB प्लेट जिसको बोलते हैं। तो ओवरऑल इसका ऐसा व्यू आप देख पा रहे हैं। यह ऑडियो मास्टर का TJ-Dave 5000, जो आहूजा का भी मॉडल आता है TJ-Dave 4000, वैसा ही एक मॉडल है। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल शिवा DJ, उस पर धन्यवाद दोस्तों।